प्यारे छात्रों चले चलते हैं, हम लोग अब केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, फिर पढ़े थे प्रथम कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक के का इकाई, और उसके बाद जो पढ़े थे अर्ध आयु भी पढ़े थे। तो अब उसके बाद फिर ट्रिक सीखे थे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, उसका के का इकाई कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग का टाइम है न्यूमेरिकल्स करने का। जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे, उसका यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल में उस फार्मूले को यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो गलती से लिखा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 10 मिनट समय लगते हैं, तो इसे 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और प्यारे छात्रों जो ब्रैकेट में दिया रहता है वो वैल्यू, वो लॉग का मान दिया रहता है जिसका यूज होने वाला है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। और किसी किसी क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया रहता है तो आपको लॉग एक से लेके 10 तक के वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। वो अपने फोन में इस्तेमाल जो कैलकुलेटर करते हैं वहां पे भी आप लॉग लगाकर लॉग वन का वैल्यू, लॉग टू का वैल्यू, इस तरह से आप लॉग वन से लेकर लॉग 10 तक आप उसका इस्तेमाल लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। हालांकि 80% केस में आपको सवाल में ही वो वैल्यू दे दिया रहता है कि किसका किसका वैल्यू क्या है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि यहां से आपको पता चल गया, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि होती है, प्रथम कोटि होती है, द्वितीय कोटि, तो यहां तो पता चल गया ना भाई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब सॉल्यूशन में सबसे पहला फार्मूला याद रखना होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A बटा A माइनस X। अब जरा समझते हैं कि जहां किसका किसका वैल्यू दिया। सबसे पहले ये जो फार्मूला इस्तेमाल करना है आपको, वो कौन सा चीज देखकर कि ये कौन सा कोटि का अभिक्रिया है। अगर मान लिया कि यहाँ पे शून्य कोटि रहता तो शून्य कोटि के लिए जो हम लोग प्रूव किए थे पहले छात्रों, वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। हालांकि सवाल बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया हम लोग प्रूव किए थे व्यंजक में, तो इसका यूज करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है वो दो पार्ट्स में रहता है, जरा अच्छा से पढ़िए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक के तो हो गया, 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है, यानी कि देखिए ये जो सवाल है वो बिल्कुल दो पार्ट में है। 10% पूर्ण होने में आपको क्या बोल रहा है, सॉरी 20% है, 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो पार्ट वन इसको मानना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। और सेकेंड पार्ट बोल रहा है इसे 80% पूर्ण होने में, 80% पूर्ण होने में ये सवाल बोल रहा है, 80% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट का टाइम लगेगा, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो जो सवाल दिया हुआ है उसको मानना है फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, और जो सवाल पूछता है उसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड भाग। प्यारे छात्रों आपको इसको लिखना नहीं है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे समझना है। तो आप इन सवालों को देखकर आप सबसे पहले ये समझेंगे कि फर्स्ट पार्ट कौन है, सेकेंड पार्ट कौन है। तो इसमें दिया गया कि 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो जो वैल्यू दिया है 20% होने में इतना लगता है, तो 80% होने में कितना समय लगेगा, ये हमें सवाल पूछ रहा है। तो जब कभी भी सवाल पूछता है उसको बोलना है सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग, और जो सवाल दिया है उसको बोलते हैं पहला भाग, फर्स्ट पार्ट। अब चलिए, अब चूंकि फर्स्ट पार्ट पता चल गया, सेकेंड पार्ट पता चल गया, तो प्यारे छात्रों आपको जो परसेंटेज दिया रहता है वो परसेंटेज का मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू दिया है,
एक्स का वैल्यू। हालांकि कोई भी क्वेश्चन में ए का वैल्यू मानना होता है 100, क्यों? क्योंकि जो हम लोग अभिक्रिया देख रहे थे ए से लेकर बी तक की जो अभिक्रिया हो रहा था, यहां पे कुल सांद्रण ए मानते हैं, तो कुल सांद्रण का मतलब 100%। इसलिए हम लोग ए के जगह पे हमेशा यूज करेंगे, चाहे वो शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे कुछ भी हो, ए के जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा 100 इस्तेमाल करना है। तो यहां पे लिखेगा माना ए बराबर 100%, ए का मान कितना 100%। अब चूंकि सवाल हमको दो पार्ट में दिया है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले आपको चलना है फर्स्ट पार्ट से प्यारे छात्रों। तो फर्स्ट पार्ट से जो भी परसेंट का वैल्यू दिया है, 20% हो 30% हो, वो होता है हमेशा एक्स का वैल्यू, हमेशा किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू। तो यहां माना कि ए बराबर 100, अब दिया है क्या, एक्स का मान कितना परसेंट, 20% दिया है एक्स बराबर 20%। अच्छा, अब अभी तक के हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहां से तो एक्स का वैल्यू दिया है 20% और टी का वैल्यू दिया है प्यारे छात्रों मिनट में। तो आपको याद रखना होगा कि केमिस्ट्री में टाइम के जगह पे, खासकर इस वाले चैप्टर में, मिनट को मिनट ही रहने देते हैं, यहां पे कोई जरूरी नहीं है सेकंड में चेंज करना। हालांकि आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, तो जो मेरा ये आएगा वो सेकंड में आएगा, फिर उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम हमारा सवाल बोल रहे हैं 20% होने में 10 मिनट लगता है, तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो समय हम मिनट में ही ना बताएंगे, जो वैल्यू दिया है इसीलिए हम लोग यहाँ मिनट को मिनट ही रहने देते हैं, सेकेंड में चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी इच्छा है तो इसको भी सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। जब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो मेरा जो यहाँ पे टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा, फिर उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो क्यों उतना करेंगे हम, तो इसलिए आपकी इच्छा सेकेंड भी लिए रख सकते हैं, मिनट भी। हमारा सिचुएशन मिनट में ही है, क्योंकि मिनट में दिया है तो हम आंसर भी मिनट में लाएंगे। फिलहाल और क्या क्या दिया है, तो एक्स का मान 20% और 10 मिनट लग रहा है, यानी कि टाइम कितना प्यारे छात्रों 10 मिनट। तो हम अभी फिलहाल, हालांकि कोई भी सवाल में ये चीज नहीं लिखना है, ये हम आपको बता रहे हैं डायरेक्टली, यहां से ऐसे लिखना है। और याद रहे log 10 का वैल्यू 2 है, log 80 का वैल्यू 1.9 है, log 20 का वैल्यू 1.3 है। तो यहां पे आपको ये चीज का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, सबसे पहले a का मान 100% मानना है हर सवाल में, चाहे कोई भी कोटि को हो, a बराबर 100 ही माना जाता है। अब x का वैल्यू कैसे, तो जो दिया गया सवाल में है जितना परसेंट रहेगा वो x का वैल्यू होगा, जितना टाइम में दिया है वो हो जाएगा t का वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट का इस्तेमाल करके आप फार्मूला पर बैठाइए, यानी कि एक ही फार्मूला का दो बार यूज किया जाता है। अब कैसे यूज करना है वो समझिए। अब हम सूत्र से चलेंगे, सूत्र से पुट करेंगे उसके नीचे, तो क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 2.303 by t के जगह पे 10 मिनट log a के जगह पे 100 माइनस 20। परसेंटेज को प्यारे छात्रों हटा देंगे, क्योंकि यहां पे टोटल वैल्यू रखा जाता है, परसेंटेज को बट्टा में 100 करके नहीं रखना है। तो यहां पे हो जाएगा 2.303 by 10 log, यहां पे लिख सकते हैं 100 और 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 20 कितना 80। अब यहां पे आपको एक रूल अपनाना पड़ेगा, उसके नीचे इधर जगह नहीं है तो इसको हम मिटाते चल रहे हैं। अब आपको एक रूल याद रखना होगा कि log m बटा n का जो फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n होता है प्यारे छात्रों। जब कभी भी अगर बट्टा रहे, एम बटा एन रहे, उसके पहले लॉग रहे, तो हम लोग भागा को माइनस में चेंज करते हैं, ये लॉग का रूल है, लॉग एम माइनस लॉग एन।
ऐसा करते हैं, तो यहां से हम लोग करेंगे तो 2.303 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.2303। यहां पे आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर यहां पे इनटू क्या कर सकते हैं तो लॉग 100 इस फार्मूले पे माइनस लॉग 80। और इसीलिए प्यारे छात्रों यहां पे हमें दिया हुआ था इसका वैल्यू, क्या दिया हुआ था, लॉग 100 का वैल्यू दिया था 2 और माइनस लॉग 80 का वैल्यू दिया था लगभग 1.9। जी हाँ 1.9। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा 0.2303 इंटू, अब 2 में से 1.9 जाएगा तो बचेगा 0.1, और 0.1 का मतलब यह हुआ कि 0.02303 इसको इतना से गुना करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। और यह हो गया इस तरह से हम लोग का प्यारे छात्रों के का वैल्यू। अब जब के का वैल्यू अगर निकल गया, के का वैल्यू कितना आ गया 0.02303, यानी कि सर्वप्रथम जो पहला चीज दिया रहता है उससे आपको के का मान निकालना है। अब के का मान जैसे ही निकल जाता है तो फिर आप उसके नीचे कैसे लिखिएगा, अब लिखिएगा पुनः, यानी कि उसको दोबारा बार यूज करना है पुनः सूत्र से। यानी कि एक बार तो हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया लगा लिए, फिर सूत्र से चलेंगे, क्या होता है फार्मूला प्रथम कोटि के लिए तो 2.303 by t into log a by a minus x। यानी प्यारे छात्रों आप एक बार फार्मूला का यूज करके k का मान निकालना है, k का मान निकल गया। अब k का मान निकल गया तब उसके दूसरा बार जब इसका यूज करेंगे तब लिखेंगे अब k का मान कितना पुट करना है, तो जो मेरा आया हुआ है 0.02303, उसके बाद क्या रखना है k का वैल्यू। अच्छा अब देखिए, तो अब दूसरा सवाल, अब हम लोग पुनः दोबारा बार जब सूत्र लगाएंगे तो k का मान जितना आएगा उसको तो रखना ही रखना है। और अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था सेकेंड पार्ट वो ये कि 80% पूर्ण होने में कितना मिनट लगेगा, यानी 80% पूर्ण होने में, यानी कि अब की बार जो परसेंटेज दिया है वो x का वैल्यू दिया है 80%, और कितना टाइम लगेगा इसका मतलब अब की बार में हमको टाइम निकालना है। तो अब की बार फिर से इसके इस्तेमाल करके प्यारे छात्रों अभी हम लोग t का मान निकाल लेंगे। अगर हम लोग t का मान पहले सेकेंड में रखते हैं तो यहां पे जो आंसर आएगा सेकेंड में आएगा, लेकिन हम लोग मिनट में ही इस्तेमाल किए हैं तो यहां पे जो टी का वैल्यू आएगा वो प्यारे छात्रों मिनट में ही होगा। तो चलिए अब के की जगह पे रखना है इतना, तो रख दिए 0.02303 बराबर 2.303 बाय कितना टी, क्योंकि टी का मान निकालना है लॉग ए के जगह पे, जैसा कि हम लोग शुरू में ही रखने वाले हैं 100 माइनस इस बार एक्स कितना 80। अब यहां आगे बढ़ते हैं तो एलएचएस में लिख सकते हैं 2303 बाय एक पे 5025, क्यों, क्योंकि इसको पॉइंट को हम लोग डिवाइड कर लिए। अब इसको भी हटा सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 2303 बाय 1000 टी बनेगा, 30 बनेगा पॉइंट के बाद, लॉग 100 बाय 20। अब ऐसा इसको सॉल्व करते करते हम लोगों को टी का मान निकालना है, तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे, यहां तो यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को ये दिक्कत हो जाता है कि दो दो बार इस्तेमाल करना है। अब कैसे क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट जो गिवन है उसका इस्तेमाल करके के का मान निकालना होता है, फिर सेकेंड का वैल्यू निकाला जाता है, यानी कि पहले वाला से जो के का मान रखा जाता है वो आ जाता है और एक्स का वैल्यू दिया रहता है उसको पुट कर लेते हैं। चलिए तो फिर से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर है, ऊपर कट गया, ये 30 है तो 30 कट गया, इधर क्या बच रहा है तो 1/100 = 1/t।
log, अब यहाँ पे प्यारे छात्रों अभी हम लोग पढ़े कि log m बटा n जब रहता है तो log m माइनस log n बोलते हैं, तो इसको बोला जाए फार्मूला पे लाने के लिए log 100 माइनस log 20। ऐसा करने से चूंकि हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है तो वहां से हम लोग पुट कर लेंगे 1/100 इज इक्वल टू 1/t, log 100 का वैल्यू 2 और log 20 का वैल्यू जरा देखते हैं कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1.3 दिया हुआ था, तो log 20 का जगह पे 1.3, तो यहाँ पे प्यारे छात्रों हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू 1/t इंटू, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा लगभग 0.7, और 0.7 का मतलब ये हुआ इसको भी हम लोग क्वांटस में हटा लेते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा 1/100 इज इक्वल टू इसको करेंगे तो t/t 7/t इंटू 10, ये पॉइंट को हम लोग चेंज कर ले तो 1 0 से 1 0, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो t बराबर कितना 10 इंटू 7 17 क्या मिनट प्यारे छात्रों, क्योंकि हम लोग पहले वाला का जो वैल्यू था वो सेकेंड में इस्तेमाल करके नहीं रखे थे, मिनट में ही रखे थे, इसलिए जो हम लोगों को अब का जो आंसर आया वो मिनट में ही आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को प्यारे छात्रों सबसे पहले जो दिया गया पॉइंट है याद रहे, इसको आपको लिखना नहीं है, ये आपको सबसे पहले माइंड में सोचना है, ये आपको लिखना नहीं है, इसीलिए हम इसको घेर दिए आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और हमको कैसे आंसर लाना है। तो सवाल ये बोल रहा था कि कोई प्रथम कोटि का विकिरिया है तो उससे आप फार्मूला लिखिए, और 20% जब पूर्ण होने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है तो 80% पूर्ण होने में आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, प्यारे छात्रों 70 मिनट लगेगा टोटल। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर आया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बार बोल रहा है कि कोई शून्य कोटि का अभिक्रिया को 10% पूर्ण होने में 5 मिनट लगता है तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या बोल रहे। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि वो कौन सा कोटि के लिए, प्यारे छात्रों तो यहाँ पे दिख रहा है हमें शून्य कोटि के लिए, तो जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो शून्य कोटि के यहां पे लिखेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या सीखे हैं फार्मूला k बराबर x बाई टी। अब ये चूंकि फार्मूला है प्यारे छात्रों, अब हमको यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद जरा सोचना है कि ये सवाल क्या बोल रहा है। तो सवाल ये बोल रहा है कि 10% पूर्ण होने में 5 मिनट लगते हैं तो हमें 90% पूर्ण होने में कितना मिनट का टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हो गया फर्स्ट जो दिया हुआ है और ये सवाल पूछ रहा है ये हो गया सेकेंड। तो हमको काम यही करना है प्यारे छात्रों कि पहला वाला जो चीज दिया है उसका इस्तेमाल करके k का मान निकालना है, और जब k का मान निकल गया तो फिर हम लोग सेकेंड वाले पार्ट्स में आकर और t का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले जरा इन चीजों को समझिए, हम पहले वाले क्वेश्चन में ये देखे और आपको ये बताए कि a का वैल्यू हमेशा 100 रखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप यहाँ a बराबर अगर 100 रखते हैं, चूंकि फार्मूला में तो a नहीं है तो वो हम लोगों को नहीं लिखना है। प्यारे छात्रों आपको दिमाग लगाना होगा कि हम लोग a का वैल्यू 100 कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखना है नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हमें x और t का मान लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू नहीं है, चूंकि ये शून्य कोटि के लिए था तो ये हम लोग व्यंजक प्राप्त कर चुके थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिया है कौन कौन सा चीज दिया है छात्रों, तो 10%, तो जो परसेंट होता है वो होता है एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू दे दिया 10%। अब प्यारे छात्रों अब ये कितना मिनट टाइम लग रहा है, 5 मिनट, यानी कि यहाँ पे टी का वैल्यू दे दिया 5 मिनट।
तो अब इसका इस्तेमाल करके आप क्या निकालेंगे, k का वैल्यू। तो इसलिए k का वैल्यू जो आया 10/5, तो यहां 5 × 2 = 10। तो अब k का वैल्यू आ गया 2, तो आप पुनः फिर इस्तेमाल करेंगे, पुनः दोबारा से पुनः सूत्र से चलेंगे। तो पुनः सूत्र से वही सूत्र ना जो शून्य कोटि के लिए है, तो k बराबर x/2। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि k का वैल्यू कितना रखना प्यारे छात्रों, 2 रखना है, 2। और x का वैल्यू कितना बोल रहा है, 90%, क्योंकि अब सवाल में इसका तो काम कर लिए। अब हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 90% पूरा होने में कितना मिनट लगेगा, तो 90% का मतलब क्या, x का वैल्यू दिया है 90%, तो अब हमें t का वैल्यू निकालना है। तो अब फिर से इसमें रख देंगे, याद रहे प्यारे छात्रों यहाँ पे log का वैल्यू यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को फार्मूला में ही जरूरत नहीं पड़ा है। तो आपको सवाल में वही log का वैल्यू दिया रहेगा जहां पे आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी वहीं आपको log का वैल्यू दिया रहेगा, अन्य उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा। अगर मान लिया कि इसमें भी अगर दिया रहता कि log 100, log 90, तो आप कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये लगता कि यहाँ पे तो log है भाई, तो प्रथम कोटि वाला अभिक्रिया वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो कभी नहीं हो सकता है। कभी कभी सवाल आपको दिमाग को मुड़ाने के लिए, दिमाग को फेरने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा कि log 90 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू, log कुछ का वैल्यू दे देगा, ताकि आप मुड़ जाएंगे, आप फटाफट प्रथम कोटि का अभिक्रिया वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो कोटि का फार्मूला बोलेगा वही कोटि का फार्मूला लगाना है। अक्सर आपको प्रथम कोटि का अभिक्रिया का देता है, क्योंकि शून्य कोटि और प्रथम कोटि का ही बुक्स में भी उसका एक्सप्लेनेशन किया है। हालांकि हम लोग अपने तरफ से भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जितना भी कोटि का चाहे उसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, उसका के की इकाई निकाल सकते हैं, उसका अर्धायु निकाल सकते हैं प्यारे छात्रों, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। आप प्रथम कोटि का, हम बार बार बोल रहे हैं, आप अच्छा से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम लोगों को वही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आपको सवाल में भी आता है, बुक्स में भी दो ही कोटि का अभिक्रिया का के बारे में एक्सप्लेन किया है, शून्य और प्रथम। तो चलिए इसके आगे आप उम्मीद है कि कर पाएंगे, कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी कर देते हैं। के जगह पे रखना है 2, एक्स के जगह पे रखना है 90 और टी के जगह पर रखना है टी, और टी का मान निकालना है, तो इसलिए टी का वैल्यू कितना हो गया, 2 नीचे आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जी हाँ 45 मिनट का टाइम पूरा पूरा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन देखे। पहले छात्रों आप कुछ क्वेश्चन लिखा जाए और उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, हम सब जैसे ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही दो क्वेश्चन आप लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन जो आप खुद बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में, 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, 32 मिनट का समय लगता है, तो इसके 50% पूरा होने में, तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शून्य कोटि के अभिक्रिया को, शून्य कोटि की अभिक्रिया को, अच्छा जरा एक और मिस हुआ है, इसमें हम लोग लॉग का वैल्यू नहीं लिखे हैं। तो आप जो पहले वाले जो बनाने के लिए हम दिए हैं उसमें आप लिख लीजिए लॉग 100 का वैल्यू 2 क्वेश्चन के नीचे, और लॉग 25 का वैल्यू 1.4, लॉग 25 का वैल्यू 1.4 और लॉग 50 का वैल्यू 1.7, लॉग 50 का वैल्यू 1.7, लॉग 50 का वैल्यू 1.7। तो इस तरीके से
हम लोग log 50 का वैल्यू जो 1.7 है इसका इस्तेमाल करेंगे, log 20 का 25 का वैल्यू 1.4 का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हमें log का वैल्यू दिया हुआ है और ये छूट रहा था, तो उसको मैं ऐड कर लेना है पहले वाले क्वेश्चन में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में, 20% पूर्ण होने में, यह दूसरा क्वेश्चन है, 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है, तो इसे 95% पूर्ण होने में, 95% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो प्यारे छात्रों, आपके पास दो क्वेश्चन है, एक है प्रथम कोटि के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं, फिर है शून्य कोटि के लिए, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे क्वेश्चंस को हम बताए हैं आप प्लीज वैसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। याद रहे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग लॉग का जो वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करेंगे और तभी फिर हम लोगों को आसानी पड़ेगा उसका सॉल्यूशन करने में। तो इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल्स था जो कोटि के अभिक्रिया पर डिपेंड था, उस पे हम लोग क्वेश्चन अभी किए। और बाकी का जो दो क्वेश्चन है आप बिल्कुल इसको बनाकर और सेंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, हालांकि वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बस समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर चल रहा था ये रासायनिक गतिकी इसका नाम है, तो ये हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब बात रहा इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव का, तो आप अपने ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक आप घर पे पढ़िए। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बार बार देखिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप पढ़ते रहिए, और जब भी लॉकडाउन के बाद क्लास खुलेगा तो फिर हम लोग का टेस्ट वगैरह होता रहेगा, बार बार टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग को इतना दिन के बाद सिर्फ अभी क्लास ही चल रहा है, आज संडे है तो आज संडे में भी क्लास, और फिर सॉरी आज मंडे है तो कल भी संडे, सैटरडे संडे मंडे सब दिन क्लास। तो कहने का मेरा मतलब कि आपको हर दिन अभी क्लास दिया जा रहा है, तो टेस्ट अभी रुका हुआ है, तो अब जब भी क्लास खुलेगा तो हमेशा बार बार टेस्ट होगा। इसलिए आपसे यही बोलना है कि आप जब भी कोई चैप्टर समाप्त हो उसके पीछे वाले जो ऑब्जेक्टिव है उसको याद कर लीजिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको पढ़ लीजिए। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं, रासायनिक गतिकी वाले चैप्टर को। तो इसमें रासायनिक गतिकी में जो एक लास्ट टॉपिक है उसमें टॉपिक देंगे छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम संस्कृत नहीं है, इसका नाम ही है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग, चूंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक सांद्रण पद द्वारा, सिर्फ एक सांद्रण पद द्वारा निर्धारित होता है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और ऐसी अभिक्रिया को, और ऐसी अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, और ऐसी अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब समझते हैं, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो प्यारे छात्रों, यहां पे छदम का मतलब होता है
काल्पनिक, काल्पनिक या फिर बोल सकते हैं कि झूठा, यानी कि रियलिटी में वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है नहीं। देखने में आपको नहीं लगेगा कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं छदम कोटि। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम का मतलब झूठा, छदम का मतलब होता है झूठा। छदम बल भी हम लोग 11th में पढ़े थे, उसका भी मतलब होता है झूठा फोर्स, झूठा बल। उसी तरीके से यहां पे जो है छदम का मतलब काल्पनिक या फिर झूठा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अभिक्रिया आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन पहले छात्रों आपको लगेगा नहीं कि वो प्रथम कोटि है, आपको लगेगा कि या तो ये द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि है, लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि होता है। यानी कि एक तरीके से आप बोला जाए तो एक तरीके का झूठा प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। जैसे जरा एग्जाम्पल, अच्छा याद रहे आपको वही अभिक्रिया जहां पे अभिकारक में H2O रहेगा, अभिकारक में अगर वाटर रहेगा तब वहां पे हम लोग प्रथम छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल कुछ लिख लेंगे, एग्जाम्पल नंबर कुछ इस तरीके का है, CH3 COOC2H5 + H2O गिव्स CH3COOH + C2H5OH। अब अभिक्रिया का मतलब नहीं समझना है कि ये कैसे लिखा जाए, एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मान लिया प्यारे छात्रों, अगर आपको ये चीज नहीं पता रहता तो आप ऐसे में लिखते हैं कि अभिक्रिया का वेग, सॉरी वेग समीकरण पहले लिखते हैं। अभिक्रिया का कोटि ज्ञात करने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं कि अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, कैसे तो के और अभिकारक में शान, अभिकारक में कौन कौन सा चीज है, तो CH3COOC2H5 और H2O। अब यहां पे इसका वैल्यू 1, अब कोटि निकालने के लिए ऐसा करते हैं इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो आप आंसर क्या करेंगे 2। तो ये हो जाएगा प्यारे छात्रों गलत, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यही तो है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम का मतलब झूठा, आपको लगेगा नहीं कि प्रथम कोटि है और हो जाता है। अक्सर H2O कभी भी अगर अभिकारक में रहे, रिएक्शन में भाग ले H2O, उसका वैल्यू नहीं होता है, उसका पावर 0 ऐड होता है। इसीलिए प्यारे छात्रों यहां पर सुधार कर लेंगे, कोटि हमेशा 1 + 0 हो जाएगा 1। यानी कि कुछ ऐसी भी अभिक्रिया है जहां पे अभिकारक में हम लोग H2O लेते हैं, तो याद रखिए H2O जो वाटर होता है वो उसका वैल्यू निग्लिजेबल है, उसका वैल्यू अनगण्य है, उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए पावर क्या देते हैं 0। अब जब पावर 0 दे दिए तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, छदम प्रथम कोटि का ये एग्जाम्पल है तो अक्सर आता नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेना जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, C12H22O11 एग्जाम्पल नंबर 2, C12H22O11 + H2O गिव्स C6H12O6 + C6H12O6। तो यहां पर किस तरीके का अभिक्रिया है, तो यहां पर भी इसका वैल्यू नहीं होता है क्योंकि अभिकारक में जल लिया गया है, वाटर लिया गया है। तो इस तरीके से इसका भी कोटि कितना हो जाएगा, 1 बना लीजिएगा। तो कुल मिलाकर इसके बाद टक्कर का सिद्धांत है, एक टॉपिक है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है और कभी उसका जिक्र नहीं करते एग्जाम में। तो हम लोग यहां तक की इस चैप्टर को लास्ट करते हैं, यानी कि पूरा आपको हम बता देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर है जिसमें हम लोग 4 चैप्टर को खत्म कर लिए, पढ़ लिए, मतलब एक चैप्टर और पढ़ लेंगे तो पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा। और ये जो एक चैप्टर बच रहा है उसका नाम है पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे, इस तरीके से हम लोग लास्ट पढ़ रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। तो फिर अगले वीडियोज में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।